नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में बताया था, कैसे आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र के लिए आपने रिक्वेस्ट कर दिया, रिक्वेस्ट करने के बाद अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक OTP का प्रोसेस और बाकी है। क्योंकि OTP थोड़ी देर में आता है, इसलिए ये वीडियो मैंने उससे सेपरेट करके बनाया है। पर ट्रांसफ़र का प्रोसेस पूरा जब तक नहीं होगा जब तक आप OTP इंटर नहीं कर लेंगे। तो OTP आपको थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर आप फिर से लॉगिन करना। आपके पे OTP की रिक्वेस्ट ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे एक OTP आ गया होगा। तो मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंटर योर OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टू कन्फर्म ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। मतलब ये लोग एक कन्फर्म कराते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे ने रिक्वेस्ट कर दिया और फिर उसका जो लेना चाहता है उसकी जगह दूसरा NSTI हो गया। तो इसलिए ये OTP का प्रोसेस है वो कंपलसरी करते हैं। तो OTP है फिलहाल यहाँ पर मेरे मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ गया है। मैं इस पर इंटर कर लेता हूँ और वेरीफाई कर, फिर मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर OTP है वो इंटर कर लिया है, OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड लिख के आ गया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लॉगिन पे एक आ जाएगा, यू हैव अप्लाइड ट्रांसफ़र टू योर प्रोविजनल एडमिशन फ्रॉम NSTI चेन्नई टू हावड़ा। मतलब मैंने चेन्नई से हावड़ा में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया है। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट विल बी क्लोज ऑन 5:30 पर आपकी ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, उस क्लोज हो जाएगी। तो 5:30 बजे तक, आज शाम के 5:30 बजे से पहले पहले आप अपना ट्रांसफ़र का प्रोसेस OTP डालकर कंफर्म कर लें। जब तक आपके पास ये मैसेज नहीं आ जाता है तब तक आपका ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। पहले आप ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट करिए, फिर OTP डालिए, फिर आपको ये मैसेज आ जाएगा। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ योर, मतलब आपकी सीट के अनुसार आपका जो है वो अवेलेबिलिटी दिखा देगा। और ट्रांसफ़र के लिए आपको फिर से लॉगिन, जब आपका रिजल्ट आएगा शाम को 5:30 बजे के बाद, कभी भी रिजल्ट आएगा तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो रिजल्ट देखने के लिए आपको यहीं पर लॉगिन करना पड़ेगा अपने डैशबोर्ड को, वहीं पर ट्रांसफ़र का जो रिजल्ट है वो दिखाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गई होगी। फिलहाल दोनों वीडियो में ये प्रोसेस कंप्लीट हुई है, क्योंकि जो OTP है वो काफ़ी देर में आता है। तो आशा करते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके उत्तर देने में पूरी तरह से कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। किसी को कोई हेल्प चाहिए तो बेझिझक आप ले सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।